हेलो व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं रसमलाई। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मैं आपको रसमलाई का ये बताती हूँ। मैंने 1 लीटर मिल्क ली हूँ। इसको मैंने गैस पर चढ़ा दी हूँ। इसको हम सिरका डाल के इसको ये कर देंगे, उसका पनीर बनाएंगे। और ये मैंने 1 लीटर मिल्क इधर रखी हूँ। इसकी मैं रसमलाई की रस बनाऊँगी, जो हम रबड़ी बोलते हो। हम बहुत ज़्यादा थिक नहीं बनाएंगे, हम पतली पतली बनाएंगे। और ये देखो, ये मैंने जाफरान लियो। जाफरान के बगैर तो रसमलाई बनती नहीं है। सैफरान के बगैर सैफरान लियो। पिस्ता चिली, पिस्ते ली हूँ। 1/2 टेबल स्पून मैंने कॉर्नफ्लावर लियो, इलायची पाउडर लियो, और 4 टेबल स्पून मैंने शुगर लियो। शुगर आपके हिसाब से डालना, आपको कम डालना है, ज़्यादा डालना है, आपकी मर्ज़ी। और अब मैं ये दूध के अंदर 1 टेबल स्पून मैं सिरका डाल के ये दूध को मैं फाड़ दूँगी और उसको चलाते रहना, तो अपने आप दूध फट जाएगा। और मैं आगे बताती हूँ। देखिए, ये अभी हम जाफरान के अंदर थोड़ा गर्म दूध डाल देंगे, क्योंकि जाफरान का कलर चूड़ी हो जाए। तो हम थोड़ा आधी क्वांटिटी हम दूध में डालेंगे और आधा हम रसमलाई के इसमें बैटर में डालेंगे जाफरान का कलर, ताकि पीली रसमलाई बने हमारी। दूध भी देखो ये हो गया, कडल हो गया, फूट चुका है। अब इसको हम छान कर आपको बता। ये देखो, हम अभी शक्कर डाल रहे हैं इसके अंदर। इसके अंदर हम डाल देंगे इलायची पाउडर, और इसके अंदर हम डाल देंगे आधे पिस्ते, 1/2 टेबल स्पून जितने, और बाद में आधे हम डेकोरेशन के लिए रखेंगे। और अभी हमने जाफरान में ये दूध वाले जाफरान हमने बना दिए, तो अब ये आधा जाफरान मैं इसके अंदर डाल दूँगी और आधा मैं इसके लिए रख दूँगी रसमलाई के लिए। हमारी रस मलाई की रस तैयार हो रहा है। ये देखो, हम ये दूध हो गया है हमारा, फट चुका है। अब इसको हम छान लेंगे। इसको छानेंगे हम अच्छे साफ कपड़े में, और इसको हम रख देंगे 20 मिनट्स के लिए। इसको हम पूरा छान कर ऐसा करके पूरा पूरा पानी निकालना। अगर ज़रा भी पानी रहेगा तो हमारी रसमलाई टूट जाएंगी। इसके लिए हमको इसको पूरा स्क्वीज करके निकाल देना है, और इसको अच्छे से लपेट के ऐसा करके इसके ऊपर कोई वज़न बर्तन रख देना है, ये चीज़ रख देना है, जिससे ये पानी निकल जाए। तो हमारा 1 लीटर से दूध अभी 1/2 लीटर जितना हो चुका है, उतना बस। बहुत ज़्यादा भी काढ़ा नहीं करना, बहुत ज़्यादा भी हमको पतला नहीं रखना इसके कंसेप्ट से, ठीक है। ये हो गया हमारा रेडी। अभी हमने आधा कढ़ाई पानी मैंने गर्म को चढ़ा दी। इसमें हम रसमलाई के बॉल्स डालेंगे जो बनाएंगे, और थोड़ी इसके अंदर हम शुगर डालेंगे और उसको कवर करके रखेंगे जब तक हम रसमलाई को। ये हमने 20 मिनट इसको ये करके रख दिया। इसको प्रेस कर करके हम और पानी अगर निकाल देंगे। ये हो गया हमारा, देखो बराबर से एकदम सही पानी इसका सब निकल चुका है। अब इसको हम 2-3 मिनट इसको ऐसा ऐसा करते रहेंगे। ये हमने अभी अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1/2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर। जो नए बना रहे हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ, नहीं तो फिर ये टूट जाएंगी। हम तो बगैर कॉर्नफ्लावर के भी इंशाल्लाह माशाल्लाह बना लेते हैं मगर। और ये थोड़ा जाफरान रखी थी मैंने, सिर्फ ज़रा सा, मैंने दूध उसमें नहीं रखी थी, ज़रा सा 1-2-3 ड्रॉप मिल्क था, क्योंकि हमको इसको गीला नहीं करना, बस हमको इसको येल्लो बनाना है, जाफरानी बनाना है इसके लिए। सब मेन इसको हलवाई लोग क्या करते हैं, अभी 2-3 मिनट हमने ऐसा कर लिया। उसके बाद हमको इससे मसलना है, ये जो हमारी हाथ की हथेली है इसके ये हिस्से से हमको इसको मसल के 7-8 मिनट मसलना है इसको, ऐसा करना है एकदम आराम से, ताकि सब एक जान हो जाए। एकदम ऐसा करते रहना है। अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए और लाइक बटन को प्रेस कीजिए, और प्लीज़ 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 और मेरे को कमेंट्स में बताइए कि कैसी बनी थी आपकी रसमलाई, आपको मैं बताती हूँ। ये देखो, ये हो गया हमारा आटा तैयार। पनीर जो हमने बनाए थे वो एकदम रसमलाई के लिए हो गया है तैयार। हमने 7 से 8 मिनट इसको ये हाथ से पाम से मैंने ये करी हूँ मसली हूँ, जैसे हलवाई वाले लोग करते वैसा ही। आप लोग बहुत संभाल के इसको अच्छे से एकदम चिकना बनाना ऐसा, और इसके फिर ये बनाना। और मैंने पानी आधी कढ़ाई चढ़ा चुकी हूँ और इसके अंदर शुगर डाल चुकी हूँ 2 टेबल स्पून, और इसका अभी बॉईल आ गया। अभी हम इसके अंदर रसमलाई डालेंगे। ये देखिए, हमारे ये ऐसा इसको
अगर ऐसे थोड़े क्रैक्स आ गए तो उसको फिर से ये करना है हमको, और अच्छे से बनाकर ऐसा उसको बीच में थम से थोड़ा प्रेस करना है। बस ये हमारी सब लोई तैयार हो गई है। अब इसको हम पानी बॉयल पानी वाटर में डाल देंगे जो हमने चढ़ाए थे, उसको अब जोश आ चुका है और उसको 8 से 10 मिनट हम ढक के रख देंगे। एकदम आराम से इसको करना है हमको। देखो बॉयल पानी हो गया वाटर, इसको डालकर चम्मच नहीं चलाएंगे हम, बस इसको डालकर छोड़ देंगे 8 से 10 मिनट के लिए। हमारी रसमलाई हो जाएंगी तैयार, फिर उसके बाद बताते क्या करना है। इसको फिर ढक कर रख देना है 8 से 10 मिनट। ये देखिए हमारी रसमलाई हो गई रेडी, देखिए कितना अच्छी बन गई है। अब इसको निकालने के बहुत अच्छी ट्रिक, हम गैस ऑफ कर देंगे, इसको एकदम हल्के हाथ से हम ऐसा पकड़ेंगे और इसको ऐसा सब पानी निथारेंगे, उसको प्रेस करके सब पानी जो भी है सब निकल जाए, फिर हम रसमलाई के इसमें डाल देंगे। देखो ये देखो ऐसे हमारी रसमलाई को ऐसे करके हम निकालेंगे बना हुआ दूध जो हमने बना के रखे, उसके ऊपर हम पिस्ते से और डेकोरेशन करेंगे। हम ब्लॉग ज़रूर बनाना और मुझे बताना कमेंट बॉक्स में, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। अल्लाह हाफिज़।